नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। मॉडर्न इंडिया सीरीज़ में आज हम कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और दोस्तों, मेरे द्वारा बनाए गए जीके रिवीजन के वीडियो की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो अगर किसी का कोई वीडियो छूट गया हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, और उस क्वेश्चन का सही आंसर देने वाले का नाम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते में किसने मध्यस्थ की भूमिका अदा की? आंसर है तेज बहादुर सप्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? आंसर है महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1948 में स्थापित हिंद मजदूर सभा के संस्थापक कौन थे? आंसर अशोक मेहता, टी एस रामानुजन और जी मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1920 में किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रख लिया? आंसर है ऑल इंडिया होम रूल लीग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद कब सृजित किया गया? आंसर है 1858 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई? आंसर है 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? आंसर है 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक मार्च किस वर्ष निकाली गई? आंसर 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरी चोरा घटना कब हुई? आंसर है 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? आंसर है 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1937 के प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव में कांग्रेस को 11 में से कितने प्रांतों में स्पष्ट बहुमत मिला? आंसर है 6 प्रांतों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? आंसर है M.C. राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई? आंसर 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वैत शासन सिद्धांत का क्या अर्थ है? आंसर प्रांतों के प्रत्यायोजित विषयों का दो वर्गों में विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति कौन था? अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? आंसर झाबुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चटगांव शस्त्रागार लूट से किस क्रांतिकारी का नाम जुड़ा हुआ था? आंसर है सूर्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन स्ट्रगल 1920 से 1934 पुस्तक के लेखक कौन थे? आंसर है सुभाष चंद्र बोस। 1930 में किसकी गिरफ्तारी के कारण पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए? आंसर है अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी की टोली कितने दिनों तक पैदल चली? आंसर है 24 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? आंसर है लाल कुर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का परित्याग कर दिया था? आंसर है
जलियांवाला बाग जनसंहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? आंसर है बंगाल विभाजन के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित था? आंसर है संवैधानिक सुधार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजोर तट पर एक अभियान संगठित किया था? आंसर है सी गोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके फलस्वरूप गरम दल और नरम दल का उद्भव हुआ? आंसर है स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील कौन था? आंसर है जगत नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? आंसर है वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस कारागार में दी गई थी? आंसर है गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी का पहला सभापति कौन था? आंसर है सोहन सिंह भागला। आज के लिए दोस्तों इतने ही क्वेश्चन। और दोस्तों आज का प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, अपने सुझाव कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।